हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फाल्कन विंग्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे पास है ओला का S1 प्रो स्कूटर और इसके बारे आज हम लोग ऑनरशिप रिव्यू लेंगे कि जिनकी ये गाड़ी है वो फ्रेंड मेरे साथ में है और वो आकर के अभी पूरा रिव्यू बताएंगे गाड़ी का कि किस तरह का एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है। जैसा कि बहुत एक चर्चा में विषय है कि इसका जो फ्रंट वाला शॉक एब्जॉर्बर है, आप जान रहे होंगे उसमें कुछ टेक्निकल इशू आया था जिसकी वजह से वो बार बार ब्रेक हो रहा था। कई लोगों के साथ ये घटना हुई है, लेकिन ओला ने इसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। मेरे फ्रेंड को भी सॉल्यूशन मिला है, तो उस सब चीज़ के बारे हम आगे बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास हैं शदाब आलम और इनका भी अपना एक यूट्यूब चैनल है जो कि एवेंजर रांची के नाम से है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो शदाब जी की ये गाड़ी है, ये आप देख रहे हैं ओला S1 प्रो, और ये अपने साथ है, ये कुछ एक्सपीरियंस जो इनका रहा है गाड़ी खरीदने से लेकर के अभी तक का, वो सारा कुछ शेयर करेंगे। शदाब जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये गाड़ी कितने दिन पहले आपने ली? ये तकरीबन हम लोग 6 महीने पहले परचेज किए हैं। 6 महीने हो गए। अच्छा, गाड़ी आपने कितने प्राइस पे ली थी? ऐसा तो उसका रेट काफ़ी है, बट हमने जो चार्जेस पे किया है वो था 150,000 रुपये। 150,000 इसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी माफ करके 150,000 हमें इसका पड़ा है। तो सब्सिडी देने के बाद आपको 1,50,000 रुपीस इसका पड़ गया जी। बिल्कुल, इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ कंप्लीट, सारा एवरीथिंग। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, अभी जैसे जितने लोग भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे पहला मतलब नाम जो है वो ओला स्कूटर का आता है। बिल्कुल, इस आपके भी मतलब माइंड में ये चीज था कि ओला ही लेना है या फिर मतलब कोई और स्कूटर की तरफ आप लोग ने सर्च किया था? देखिए, इसके कम्पिटिटर में अगर बताऊँ, मार्केट में बात करता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसा कम्पिटिशन में मुझे गाड़ी नहीं लगा। इसकी एक सबसे अच्छी बात ये लगी ना, इसका आप लुक देखो जी। हाँ, थोड़ा सा क्लासिक लुक है, हर एज के लोगों को थोड़ा ये पसंद आने वाला है। काफी हाइट भी काफी है, मैं आपको बैठ के भी दिखाऊंगा, इसका हाइट भी काफी अच्छा है। और इलेक्ट्रिक बाकी स्कूटर पे जो मार्केट में है जैसे एथर वगैरह है तो उसकी हाइट आप देखोगे बहुत ही कम है, और प्लस वो थोड़ा बल्की नहीं लगता है, मस्कुलर टाइप का लुक नहीं है उसका। ये क्या है कि आप हर तरह की पर्सनैलिटी में सूट कर जाते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट। अच्छा शदाब, ये बताइए, ये तो आपने चॉइस किया, गाड़ी आपने बहुत अच्छी ली है, और इसके जो सर्विस वगैरह का है तो वो आपके शहर में मतलब क्या स्थिति है सर्विस की? आपने कभी सर्विस इसका कराया? सर्विस के हम लोग गए हुए थे, इसकी सर्विस सेंटर जो है वो है आपका काके रोड में। अच्छा, वहाँ पे अगर आप, जहाँ पे मैं आपको लैंडमार्क भी बता देता हूँ, पहुँचने में आसानी होगी, वहाँ पे काके डैम जो जाते हैं एक रास्ता अंदर जाता है, यहाँ पे यामाहा का सर्विस सेंटर जो पहले सर्विस, बस उसी के अपोजिट में आपको ओला का भी सर्विस सेंटर। अच्छा, मिल जाएगा। तो इसमें सर्विस में क्या कॉस्ट वगैरह है, कुछ फ्री सर्विसिंग वगैरह ये लोग देते हैं? नहीं, सर्विसिंग है अभी कुछ अभी तक मतलब 6 महीने पे जितनी भी आपने कितनी सर्विसिंग आपने कराई है? फिलहाल एक ही हुआ है, और इसमें कुछ ऐसा सर्विसिंग करने लायक है भी नहीं। क्या सर्विसिंग कराएंगे आप इलेक्ट्रिक में? एक थॉरो चेकअप तो होता होगा ना कहीं किसी तरह का? कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी को साल भर में परेशानी आई होगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तक बात है तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सारे लोगों को परेशानी आई थी कि ये जो इसका फ्रंट वाला फॉर्क था ये ब्रेक हो रहा था। बिल्कुल, किस रीजन से ब्रेक हो रहा था? हालांकि ये लोग, ओला का दावा है कि अपनी तरफ से लोगों ने बहुत एक मतलब परफेक्ट चीज बना करके दिया है। ये लिंक टाइप सस्पेंशन है, मैं इसे आपको दिखला देता हूँ एक बार नजदीक से। देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं, ये जो लिंकेज आप देख रहे हैं, ये पॉइंट और ये लेटरल फ्लेक्स को बिल्कुल कम कर देता है, और ये जो लिंकेज आप देख रहे हैं ये यामा की गाड़ी में, जो यामा का जो RDNA वाली जितनी भी गाड़ी है उसका जो रियर सस्पेंशन आता है वो इस तरह का लिंक सस्पेंशन के साथ आता है। तो ये टेक्नोलॉजी इन लोगों ने फ्रंट वाले फॉर्क में यूज़ की है। हालांकि ओला का कहना है कि इसमें कोई तरह का इशू नहीं है, लेकिन जितने लोगों को भी इशू हुआ और उसके बाद ओला ने क्या किया कि गाड़ी को रिकॉल किया, और उसके बाद जितने भी लोग थे उन लोगों को कॉल करके बुलाया गया कि जितनी भी गाड़ियां उनके तरफ से दी गई थी और जो इश्यूज आ रहे थे तो ओला ने रिप्लेस करके दिया। शदाब जी, आप ये बताइए, अभी जो इसमें फॉर्क लगा हुआ है तो वो फॉर्क जो है वो ओला ने रिप्लेस करके दिया है या फिर ये जो स्टॉक वाला आया था ये वो वाला है? रिप्लेस किया गया है, पुराने वाले फॉर्क उन्होंने ले लिया है और नया फॉर्क लगा के इसमें। तो ये कॉल आपको कब आया था? ये इसके लिए अपॉइंटमेंट लेना चल रहा था। मतलब आपने रिक्वेस्ट दिया था या ओला ने खुद कॉल किया? ओला की तरफ से मैसेज आया था। अच्छा, मैसेज आया था कि आप जाकर के अब आपका पार्ट्स जो भी है गाड़ी का वो आया हुआ है, आप जाके इसे लगवा सकते हैं। जी जी, तो उसके हिसाब से फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप जा सकते हो विदाउट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, आप जाके आराम से उसको लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लिया? जी। और इसमें क्या उन्होंने चेंज क्या किया था बेसिकली वो आप जो आपने बताया अभी फ्रंट का ये जो चेंज, ये पूरा मतलब ये पूरा फॉग कंप्लीट चेंज हो गया, पूरा कंप्लीट शॉकर फ्रंट का जो है वो चेंज हुआ है।
और ऐसे जब आप चला रहे थे जो स्टॉक वाला वर्जन था तो उसमें कोई तरह का इशू आपको मिला था? नहीं, ऐसी कोई परेशानी तो नहीं थी, परेशानी नहीं आई थी। मगर ओला की मैंने भी बहुत सारे रिव्यू देखे और आपने जो बताया मुझे कि फ्रंट वाले में कुछ गड़बड़ी है, वो ओला कंपनी वाले को भी पता था अच्छे से कि इसमें ये प्रॉब्लम है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जितनी भी गाड़ियां बिक चुकी है सभी को वापस बुला करके और सभी के उन्होंने फ्रंट शॉकर को चेंज किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी ओला की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है ये बहुत सही है और अब लोग मतलब बेफिक्र होकर के ओला को मतलब चूज कर सकते हैं। मैं जहां तक सोच पा रहा हूं इसमें दो तीन मॉडल आता है, अगर आप देखेंगे तो S1 है, S1 Pro है और एक S Air है। तो कुछ मॉडल्स इसके ऐसे हैं जो टेलीस्कोपिक फॉर्क है, जो कन्वेंशनल फॉर्क जनरली जो स्कूटी में एक्टिवा वगैरह में या फिर और जो जनरल स्कूटी आप देखते हैं उसमें जो आते हैं, तो यहाँ पर दो टेलीस्कोपिक फॉर्क होते हैं और वो जिस तरह का बाइक में फॉर्क होता है उस तरह का फॉर्क दिया रहता है, उसके तरफ भी आप जा सकते हैं। आपको गाड़ी खरीदते समय इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप किस तरह के रोड पे गाड़ी को चला रहे हैं। अगर आपका मतलब सिटी ट्रैफिक में ज़्यादा है, सिटी राइड अगर आप करते हैं तो ज़्यादा इस पर लोड उतना पड़ेगा नहीं, लेकिन ये डैमेज होने का खतरा ख़राब रोड में होता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि रोड आपका थोड़ा सा मतलब जर्क वाला रोड है या मतलब गली वगैरह में आप ज़्यादा जाते हैं तो या स्पीड ब्रेकर ज़्यादा आपको फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए आप टेलीस्कोपिक फॉर्क की तरफ जाएंगे तो वो खरीदने समय ध्यान रखना होगा, तो इस तरह के इशू नहीं होगी। और वैसे ओला ने भरोसा दिलाया है कि इनको भी चेंज करके मिला है, और ओला ने से आपकी जो बात हुई थी ओला ने क्या कहा कि इसके बाद मतलब इस तरह का कोई इशू आने का नहीं है? जो इशू था उनकी नज़र पर जो कंप्लेन बार बार आ रहा था उनको, तो उसके हिसाब से उन्होंने सॉल्व कर दिया। मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा कुछ मेजर इशू उसमें तो नहीं है, बाकी जो माइलेज वगैरह इसका जो है फर्स्ट चार्ज वगैरह में कितना चलता है वो सारा चीज़ जो उन्होंने बोला था वो एज इट इज ही मिला। मतलब क्लेम करती है कंपनी? कंपनी तो बोलती है कि 150 किलोमीटर चलेगी फुल चार्ज। तो और एक चार्ज करने में आपको कितना समय लगता है? छः घंटा में फुल चार्ज हो जाती है और 150 किलोमीटर तक। आपने कभी इस रेंज 150 उसमें भी कंडीशन है, उसमें मोड के ऊपर डिपेंड करता है। 150 उन्होंने जो क्लेम किया हुआ है ना, वो क्लेम किया गया है आपका इको मोड। इसमें चार मोड हम लोग इस पे थोड़ा सा इसका मोड भी चेक कर लेते हैं। शताब जी बताइए कि इसमें जो मोड है वो किस तरह से आप सिलेक्ट करते हैं या मोड के हिसाब से अकॉर्डिंगली वो जो कंजम्पशन है इसका इलेक्ट्रिसिटी का वो? चलिए ठीक है, वो समझ लीजिए। हम स्क्रीन पे यहाँ पे गए, इसको हमने इंस्टॉल यहाँ पे किया जी, उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे। नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखिए नोटिस कीजिए, यहाँ सारा मोड यहाँ पे लिखा हुआ है। इको में चलेगा आपका गाड़ी कितनी देर चलेगा, 69 किलोमीटर चलेगी, नॉर्मल में 59 चलेगी, स्पोर्ट मोड पे 53 चलेगी और हाइपर में 46 चलेगी। इससे आप अंदाज आपको मिल गया होगा कि कितने स्पीड में आपकी गाड़ी कितनी किलोमीटर की माइलेज। ये जस्ट लाइक अ पेट्रोल वाली कहानी है, जितना स्पीड आप गाड़ी चलाएंगे माइलेज उतनी कम देगी, बस वही चीज है। ये मतलब ये चार ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि अकॉर्डिंगली आप। अब मैं इसमें आपको एक चीज और समझा देता हूँ। इको में अगर आप चलाते हैं तो 40 मैक्सिमम स्पीड अप की जाती है। अच्छा, नॉर्मल में आप आराम से क्रूज कर सकते हैं, नॉर्मल में भी स्पीड ठीक ठाक है। स्पोर्ट उनके लिए होता है जैसे किन को शौक है हाईवे पे चलाने का एकदम रफ्तार में ऐसा कुछ, तो स्पोर्ट मोड का वो सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें पिकअप आपको बहुत अच्छी मिलती है और हाइपर हो गया एकदम जो इसका अल्टीमेट जो स्पीड पावर है वो हाइपर हमने अभी तक टच इसलिए भी नहीं किया क्योंकि हाइपर मोड जो उसकी है ना वो माइंड ब्लोइंग है, यानी कि आप कंट्रोल से बाहर आपकी गाड़ी चली जाती है। अगर आपको कंट्रोल स्किल अच्छी नहीं है आपकी गाड़ी चलाने में तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाइपर को आप ना टच करें तो बेटर है। वो बहुत जरूरी है, बिल्कुल गाड़ी चलाते समय ये बहुत जरूरी है कि आप सेफ्टी का ध्यान रखें। जी बिल्कुल। इसमें जो इतनी बेहतरीन इसमें स्क्रीन दी हुई है तो नेविगेशन तो काफी मजा आता होगा यूज करने में आपको? हाँ जी बिल्कुल, ये बात तो सही है आपने कहा। नेविगेशन के लिए बताइए इसमें किस तरह से ऑप्शन में जाना कुछ होता नहीं है? सब जितने भी फीचर्स एकदम सिंपल हैं, कोई भी आराम से ऑपरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम पुंदाक को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हमने इसे स्टार्ट कर दिया जी। और ये आपकी ऑटोमेटिक आपको सिर्फ आपको शो करेगा कैसे मुड़ना है, लेफ्ट राइट वगैरह वो सब चीज आपको बताता है। यहाँ देखिए अभी हमने जो सेट किया हुआ है ये इतना दिखा रहा है, 14 किलोमीटर पुंदाक हमें जाना है, 34 मिनट का वक्त लगेगा बस वो। अच्छा, मतलब टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको स्क्रीन पे ही बताता है? हाँ, वो आपको शो करते रहता है और क्योंकि आपके नज़र के सामने है तो आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, आप इजीली अपने फोकस करिए स्क्रीन पे, आप इजीली पहुंच सकते हैं अपने डेस्टिनेशन। हाँ, तो शताब जी एक चीज़ और बताइए, नाइट राइडिंग के समय में ये इसका जो हेडलैम्प का जो थ्रो है, हेडलैम्प तो इसमें बिल्कुल प्रोजेक्टर लैम्प दिया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इसका जो थ्रो है वो आप बताइए कि किस तरह का थ्रो है इसका? मतलब लाइट इतनी बेहतर है इसकी कि आपको आफ्टर मार्केट लगाने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सफिशेंट है इतनी लाइट।
यानी कि बहुत विजिबिलिटी जो है ना उसकी बहुत दूर तक जाती है। हाई बीम लो बीम दोनों में बेहतरीन है। बस आप कभी भी इसको प्रैक्टिकल यूज कोई करके देखेगा जी, उसे खुद समझ में आ जाएगा कि लाइट की क्वालिटी कैसी है। अब इतना फिर भी उजाला है होने के बाद भी आप लाइट की क्वालिटी देखें। मैं आपको एक फीचर से इसका दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अभी यंगस्टर के में क्रेज जो है हजार्ड लाइट की बहुत ज्यादा डिमांड है। आफ्टर मार्केट में लोग इसे लगाते हैं, इंस्टॉल कराते हैं अपने गाड़ियों पे, मगर ये स्कूटी में ये चीज में मिला हुआ। आप देखो मैं जला रहा हूँ, देखिए हजार्ड लाइट चारों ऑन हो गई आगे पीछे सब तरफ से। ये फीचर्स इसलिए भी दी रहती है कि मान लीजिए आप हाईवे पे कहीं पे रुकते हैं रात के समय जी, तो आप इससे यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी फीचर्स है ताकि लोगों को पता चल सके कि आपकी गाड़ी कहीं पे पार्क है। शराब जी ये बताइए कि इसका जो और कोई बेहतरीन फीचर जो आपको डेली यूज में काम आता है वो कौन सा लगा आपको? सबसे इम्पोर्टेंट तो स्कूटी का आपका स्टोरेज होता है जी। चलिए वो मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ फ्रंट पे ही आपको यहाँ स्क्रीन पे देखने को मिलेगा जी। सीट का अच्छा, ये मैंने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से ये ओपन हो गया। स्टोरेज काफी बड़ा है इसका। दो हेलमेट मेरे ख्याल से आराम से हट जाता होगा। नहीं, हेलमेट का थोड़ी समस्या है, बड़ा हेलमेट नहीं, जो नॉर्मल साइज का, जो नॉर्मल साइज का आ जाता है। इसमें हम लोग अच्छा खासा अपना बैकपैक इस पे डाल दिया है, इसमें आराम से इजीली आ जाता है। ये हो गया बंद। अब इसमें देखिए चार्जिंग का मैं दिखाता हूँ आपको जी। ये देखिए इसको सिर्फ एक सिंगल पुश पे ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे एक कवर दिया हुआ है, इसको हटा के आप चार्जिंग कर सकते हैं जी। प्लस पॉइंट इसका एक और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको इस यूएसबी पोर्ट भी मिलता है, इसमें आप मोबाइल आराम से चार्ज कर सकते हो। मगर एक प्रॉब्लम बताते हैं इसमें जी। वो अभी मैं चाहता हूँ कि आप कवर कर लो, मोबाइल इस पर नहीं आएगा। चौड़ा मोबाइल जैसा स्क्रीन टच यूज करते हैं ना, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं। कंपनी को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इसको थोड़ा और चौड़ा रखना चाहिए ताकि मोबाइल इजिली आ सके। अच्छा, इसके अलावा और कोई दिक्कत आपको गाड़ी में है कि? हाँ, एक तो आपने ये बताया कि मोबाइल के पॉकेट थोड़ा छोटा है, वहाँ पे अगर चार्जिंग लगाते भी है तो मतलब मोबाइल आपको वहाँ पे नहीं रख पाते, वो नहीं रख पाएंगे। और कुछ दिक्कत आपको लगी इस गाड़ी? आप इधर आके देखो, एक ये दिक्कत मुझे समझ में आया जी। ये देखिए इतना ईजी, मतलब हल्का सा भी पुश करते ही खुल जाता है, पुश करने में खुल जाता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम हमें आज फेस करने को मिला, और एक बार पहले भी हमने फेस किया था ये चीज। जब हमने गाड़ी को वॉश किया जी, तो आप जान रहे हो गन का पावर होता है जो उसका वॉश करते हैं, तो ये बार बार ओपन हो जा रहा था, बार बार पानी के प्रेशर से भी वो मतलब खुल जा रहा था। ये थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए कि इतना इजीली नहीं ओपन हो। अच्छा, इसको ये आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कहीं से लॉक वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है कि आपने इसे लॉक किया? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसका। और कोई सुझाव आपके लिए, मतलब इस गाड़ी को लेकर के कंपनी को इसमें कुछ और अपग्रेडेशन वगैरह करना चाहिए? कंपनी को एक और चीज बताते हैं, ये आपके माध्यम से हम ये भी चीज क्लियर कर देते हैं। एक ऐसी बीमारी इसका दिखा रहा हूँ कि जिसका रिव्यू बहुत कम लोगों ने किया होगा, जिन्होंने फोकस भी इसका नहीं किया है। मैं भी जी बताइए, ये आप देख रहे हो ना, ये जो इन्होंने डिजाइन किया है, अब पता नहीं ये किस रीजन से ऐसा डिजाइन किया गया जी। स्कूटी आमतौर पे हम लोग खरीदते हैं इसलिए है कि इसमें कुछ सामान रखा सके और हम लेके आ सके। ये पूरा फ्लैट नहीं है, ये आपका बीच में हम इसमें आप सिलेंडर वगैरह चाहेंगे गैस सिलेंडर लोड करके लाएं तो पॉसिबल नहीं है। ये थोड़ा तकलीफ आपको देता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं रहता तो ज्यादा बेहतर हो जाता, क्योंकि ये काफी अच्छा स्पेस है जी। जी स्पेस इसमें काफी, लेगरूम भी अच्छा दिया है, लेकिन ये हम के वजह से आप इसमें बीच में कुछ सामान नहीं रखते। इवन मुझे लगता है कि बैग रखने में भी दिक्कत होती होगी, दिक्कत अगर लैपटॉप बैग वगैरह आप रखना चाहें जिसमें टूटने का डर होता है थोड़ा सा जी। जी क्योंकि आज हम लोग ऑनरशिप रिव्यू कर रहे हैं तो कुछ डिमेरिट्स हमने आपको गिनाया, उसमें एक सबसे बड़ी खराब चीज मुझे सर्विस ओला की मैं बात करूं, क्योंकि हमने इस पे ऑर्डर किया हुआ है मेन स्टैंड। अच्छा। आप देखो यहाँ पे हर जगह पे गाड़ी अब झुका के लगाना पॉसिबल नहीं होता, यहाँ तो चलो चल गया जी। भीड़ भाड़ इलाके में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और यहाँ पे लेडीज फोर्ट्रेस जो होता है वो भी नहीं। तो ये आपका स्टॉक में सेंटर स्टैंड नहीं आता है? जी नहीं, एसोसरीज में आपको अलग से डिमांड करके हमें मंगाना पड़ा। शराब जी ये बताइए, सर्विस सेंटर पे तो ये दोनों पार्ट्स अवेलेबल होंगे ना, सेंटर स्टैंड और फुटरेस्ट जो आपने बताया? सर्विस सेंटर में ये अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको ऑर्डर करना। अच्छा, ये ऑर्डर करना होता है। मैंने इसका ऑर्डर जो लगाया हुआ है वो 5 महीने होने जा रहे हैं। जब भी हम कस्टमर केयर पे बात करते हैं उनकी तरफ से हमें दिलासा दे दिया जाता है कि आपका बसर आने वाला है, कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। यकीन मानिए 5 महीना कितना बड़ा समय होता है, कितना दिन लगता है, 5 महीने तो आप उसे कैलकुलेट कर लीजिए। कोई भी चीज डिलीवरी होने के लिए मुझे लगता है मैक्सिमम 1 महीना बहुत ज्यादा है। 5 महीने के लिए वेट करना पैसा देकर
ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है। हाँ तो शराब जी, हम लोगों ने काफी गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कशन किए। एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ जो लोग भी जाना चाहते हैं तो उसको आप ओला के लिए रिकमेंड करेंगे या फिर किसी और स्कूटर की तरफ जाने के लिए सलाह देंगे? नहीं, मैं तो अभी भी सलाह दूंगा कि ये गाड़ी अच्छी है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खरीद सकते हैं। मगर जो लोग इसमें ये सोचते हैं कि हम बहुत लॉन्ग राइड जाएंगे, उनके लिए मेरा एक क्या बोलना चाहेंगे, एक मैसेज है कि वो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ये सब जो स्कूटियाँ होती हैं ना, जितनी तरह की भी स्कूटी है, वो टॉन के लिए काफ़ी, हाईवे के लिए आप कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको परेशानी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लॉन्ग राइड मतलब आपका कितना, मतलब ये आपका लॉन्ग राइड से क्या मतलब, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर किस तरह? लॉन्ग राइड का मतलब मेरा ये है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 150 किलोमीटर पहले चार्ज में, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो गाड़ी लेके डायरेक्ट सोचेंगे कि हम 150 चले जाएंगे, तो वो कभी कभी ये गड़बड़ होता है कि जब वो गाड़ी चलाने पे आते हैं तो ये भूल जाते हैं स्पीड लिमिट और वहाँ पे जाके उनको धोखा हो जाता है। इलेक्ट्रिक बाइक में सबसे बड़ी दिक्कत मुझे देखने को यही मिली कि आप हमेशा, आपका दिल धक धक करते रहता है कब बैटरी डाउन हो जाए, कब आपको किसी की मदद। देखिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है, जैसा कि शराब जी ने बताया हमें, ये इस गाड़ी के ऑनर है, काफी दिन से ये यूज कर रहे हैं और बिल्कुल जो इनके साथ फेस इन्होंने जो भी प्रॉब्लम किया है, जो अच्छी चीजें थी वो भी इन्होंने बताई, जो बुरी चीजें थी जो इसमें रिकमेंडेशन इन्होंने दिया कि मतलब इस चीज को अपग्रेड करना चाहिए कंपनी को, तो ये सारी चीजों के बावजूद ये बता रहे हैं कि गाड़ी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल इसकी तरफ जा सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है गाड़ी चलाते समय कि बैटरी ड्रेन कितनी हो रही है और आपको किस लिमिटेशन तक इसको यूज करना है, तो वो आप चलाते चलाते यूज टू हो जाएंगे। अगर आप ओला लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ बातें जो इन्होंने बताई वो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और उसके हिसाब से आप गाड़ी को यूज कीजिए। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बाकी जो कंपनी का सपोर्ट है वो तो आपको फिर बाद में मिलेगा ही। तो शराब जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चलिए फिर किसी नेक्स्ट मीटिंग में आपसे मुलाकात होगी। तो फ्रेंड ये था ओला S1 Pro का पूरा रिव्यू। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें इसका फायदा मिल सकता है, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।